दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं पेश कर रहा हूँ ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब से फिल्माए खुशी ही, एंड इट्स माय ट्रिब्यूट टू हिम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गीत पसंद आएंगे। सबसे पहले पेश कर रहा हूँ मैं, मुकेश साहब ने उनके लिए प्लेबैक दिया था, ये फिल्म यहूदी का एक गीत है जिसे पर्दे पे दिलीप कुमार साहब ने अदा किया था। दोस्तों, हम जब बहुत छोटे थे तो उस वक्त से दिलीप कुमार का जो एक चर्चर था, उनकी मकबूलियत थी, बहुत ज़्यादा थी। हम छोटे छोटे थे, मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और उनकी फ़िल्म आज़ाद उस वक्त रिलीज़ हुई थी। आज़ाद फिल्म ये एक स्टंट फिल्म थी, तो लकड़ी की छोटी छोटी तलवारें बना के हम उन्हीं के तरह डायलॉग बोल के हम खेला करते थे मोहल्ले के सब बच्चे। तो लिहाजा उन्हीं की याद में पेश है ये ट्रिब्यूट प्रोग्राम। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरु, तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कुसूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरू, ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कुसूर, ये मेरा दीवानापन है, दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, चाहे तू आए ना आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, तू न पहचाने तो है तेरी नजरों का कुसूर, ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। दोस्तों, दिलीप साहब की एक फिल्म जिसका नाम था दिल दिया दर्द लिया, बहुत ही ज़बरदस्त
उसमें उनकी अदाकारी थी। और सब लोग कहते हैं कि बेमिसाल अदाकारी, लाजवाब अदाकारी, तो मैं तो यही कहता ही हूँ। लेकिन उसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वो ये कि दिलीप साहब की ये फिल्म और उसमें उनकी अदाकारी कुछ ऐसी थी कि जिसने ज़िंदगी में कभी इश्क ना किया हो, जिसने ज़िंदगी में कभी इश्क ना किया हो, उसे भी ये फिल्म देखने के बाद इश्क में दिल टूटने के दर्द का एहसास होता है, वो तकलीफ़ वो पीड़ा उसे महसूस होती है। तो लिहाजा मैं इसी फिल्म का एक गज़ल पेश कर रहा हूँ उस फिल्म की। और ये तो बात बिल्कुल जाहिर सी है कि जब नौशाद साहब की म्यूज़िक हो, रफ़ी साहब की आवाज़ हो और दिलीप कुमार पे पर्दे पे अदाई हुई अदायगी हो, तो सामाइन जो है सामाइन अपने होश और हवास खो देता है, दर्शक बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसी की तरह की ये गज़ल है, देखिए सुनिए। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करारता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, जिंदगी के आईने को तोड़ दो, जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ भी नजर आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, आज कोई राह दिखलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करारता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, जिंदगी के आईने को तोड़ दो, जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ भी नजर आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करारता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। दोस्तों, दिलीप साहब की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दीदार, और शायद उसमें राज कपूर साहब ने भी उनके साथ काम किया था। मैंने तो ये फिल्म देखी नहीं, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि फिल्म संगम की जो स्टोरी थी वो पूरी उसी के ऊपर बेस्ड थी। तो लिहाजा ये गीत मैं उन्हें खिराज आकिद तौर पे पेश कर रहा हूँ। रफ़ी साहब का ये गीत है, और रफ़ी साहब ही ज़्यादातर उनके लिए प्लेबैक देते थे। और अगले गाने से पहले मैं आपको उनका, रफ़ी साहब का और उनका एक किस्सा बयान करूँगा जो कि बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही
सेंसिटिव है। तो पहले सुन लीजिए ये गीत। मेरी कहानी भूलने वाले, मेरी कहानी भूलने वाले, तेरा जहाँ आबाद रहे। मेरी कहानी तेरी खुशी पर मैं मिट जाऊँ, तेरी खुशी पर मैं मिट जाऊँ, दुनिया मेरी बर्बाद रहे। मेरी कहानी मेरे गीत सुने दुनिया ने मगर, मेरा दर्द कोई न जान सका न जान सका। एक तेरा सहारा था दिल को, एक तेरा सहारा था, तू भी न मुझे पहचान सका, तू भी न मुझे पहचान सका। बचपन के वो गीत पुराने, बचपन के वो गीत पुराने, आज तुझे न याद रहे। मेरी कहानी, मेरी कहानी भूलने वाले, तेरा जहाँ बाद रहे। मेरी कहानी मैं अपना फसाना कह न सका, मेरे दिल की तमन्ना दिल में रही। लो आज किनारे पर आके अरमान की कश्ती डूब गई, अरमान की कश्ती डूब गई। किस्मत को मंजूर यही था, किस्मत को मंजूर यही था, लपे मेरी फरियाद रहे। मेरी कहानी, मेरी कहानी भूलने वाले, तेरा जहाँ आबाद रहे। मेरी कहानी तेरी खुशी पर मैं मिट जाऊँ, तेरी खुशी पर मैं मिट जाऊँ, दुनिया मेरी बर्बाद रहे। मेरी कहानी। और इस एपिसोड के आखिर में पेश कर रहा हूँ फिल्म मधुमति का एक गीत, जो कि मुझे बहुत पसंद है। उस वक्त मैं शायद 8-10 साल का होऊंगा जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन जब से अभी तक ये गीत मैं उनका गुनगुनाते रहता हूँ। और मैंने आपसे वादा किया था कि इससे पहले मैं एक बात रफ़ी साहब की और दिलीप साहब की शेयर करना चाहता हूँ। तो आपको शायद याद हो 62-63 में चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया था, और उस वक्त हमारी पोजिशन बहुत ख़राब थी, हमारे पास में ना फौज थी ना हथियार थे। ऐसे वक्त में सब लोगों ने मदद की थी चाइना से लड़ने के लिए, लोगों ने बहुत दान दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पंत प्रधान थे। खैर, तो उस वक्त इन दोनों ने प्रोग्राम बनाया कि जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए हम बॉर्डर पर जाएंगे, और वो बॉर्डर पर गए। बॉर्डर पर जाने के बाद में वहाँ का माहौल बहुत सर्द था, और रफ़ी साहब गाने पेश करने वाले थे और दिलीप साहब भी उनके साथ में थे। तो वहाँ जाने के बाद में रात में अचानक रफ़ी साहब की आवाज़ जो थी वो पूरी तरह से बैठ गई थी, और वो बहुत परेशान हो गए। हारमोनियम लेके प्रैक्टिस करने लगे, लेकिन न प्रैक्टिस बराबर हो रही थी न कुछ भी, तो वो बहुत ये हो गया, और उनको बहुत ज़्यादा
परेशान हो गए और बहुत ज़्यादा टेंशन ली लिए उन्होंने। तो दिलीप साहब उनके पास आए, उनसे कहा कि आप घबराइए मत, आपकी आवाज़ सवेरे तक ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कैसे है? तो बोले मैं कर दूँगा ठीक। तो दिलीप साहब ने अपने हाथ से, अपने खुद अपने हाथों से उन्हें अदरक का काढ़ा और अदरक और शहद का काढ़ा बनाया और वो उनको पिलाया। और क्या ताजुब कि सवेरे तक उनकी आवाज़ बिल्कुल ठीक ठाक हो गई और वो अच्छे से नौजवानों के सामने प्रोग्राम पेश करने, बड़ी लोगों की बड़ी बातें हैं। तो खैर मैं पेश कर रहा हूँ मधुमति का एक गीत जो मुझे बहुत ही पसंद था बचपन से लेके आज तक। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गवाया है, आँखों ने गवाया है। हम ढूंढते हैं उनको जो मिल के नहीं मिलते, हम ढूंढते हैं उनको जो मिल के नहीं मिलते, रूठे हैं न जाने क्यों मेहमानों मेरे दिल के, मेहमानों मेरे दिल के क्या अपनी तमन्ना थी, क्या साथ में आया है। दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गवाया है, टूटे हुए ख्वाबों ने लौट आई सदा मेरी, नारे नारों से लौट आई सदा मेरी, टकरा के सितारों से उजड़ी हुई दुनिया के, सुनसान किनारों से, सुनसान किनारों से, पर अब ये तड़प न भी किस काम न आया है। दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गवाया है, आँखों ने गवाया आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।